हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के अलर्ट में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से संबंधित, और जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों में जो भर्ती अटकी हुई है बिहार एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, और दोस्तों जिसके अंदर 30,020 शिक्षकों की बहाली का जो पूरा शेड्यूल था वो बिहार डिपार्टमेंट के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया गया है, और जिसके अंदर लगभग 30,020 शिक्षकों की बहाली होनी है। और इसकी रिपोर्ट का जो पूरा शेड्यूल जारी हुआ है 30,020 शिक्षकों की बहाली का, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपकी जो बहाली से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन है, कब इनके फॉर्म है वो लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ इस वीडियो में बताएंगे, और कब तक इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उसकी पूरी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि बिहार में 30,020 पदों पर होने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्लस टू शिक्षकों की बहाली का कार्यक्रम बदल गया है। सोमवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव असरद फिरोज की ओर से संशोधित नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। हालांकि आवेदन की तिथि नहीं बढ़ी है, और पूर्व के निर्धारित शेड्यूल के तहत अभ्यर्थी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर तक थी। शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी जिलों में आवेदन आ गए हैं, इसलिए तिथि नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन नियोजन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर बदल दिया गया है। और जिसके अंदर शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव का कई जिलों में बाढ़ अतिवृष्टि के कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नियोजन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं, और वो बदलाव यहाँ पे देखिए दोस्तों दे रखा है। इकाई द्वारा 1 नवंबर तक मेधा सूची का अनुमोदन, 4 नवंबर तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि 5 से 20 नवंबर तक औपबंधिक मेगा सूची पर आपत्ति ली जाएगी कैंडिडेट से कि किस किस पे आपके आपत्ति है, वो आप 5 से 20 नवंबर तक आपत्ति लगा सकते हैं, और 27 नवंबर तक आपत्तियों का निराकरण कर 30 नवंबर तक मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। उसे 5 दिसंबर तक मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान होगा, जांच होगा। 9 दिसंबर तक जिला परिषद एवं शहरी निकाय द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन होगा, और 10 दिसंबर तक मेधा सूची को दोस्तों सार्वजनिक कर दिया जाएगा, और 28 दिसंबर तक अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का व बोर्ड या विश्वविद्यालय का सत्यापन किया जाएगा, और 30 और 31 दिसंबर को जिला स्तर पर नियोजन इकाई कार्यक्रम द्वारा काउंसलिंग के बाद में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था जो 30,020 शिक्षकों की बहाली से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और नया जो शेड्यूल जारी किया गया उसकी पूरी डिटेल जो हमने आपको यहाँ पे बताई है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अलर्ट से। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट नए हैं हमारे चैनल पे, कृपया हमारे चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की खबरें हम सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध करवाते। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।